नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री को यह बताया गया है कि आखिरकार इतना दिन से लाइब्रेरियन की भर्ती क्यों नहीं दी गई, क्यों ना एक माह के अंदर लाइब्रेरियन की भर्ती निकाली जाए। और इसका पूरा सूत्रधार मेरे साथ है, और आपसे बता दें लाइब्रेरियन एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास चंद्र जी हैं। ये पूरा प्रयास किए जिसका नतीजा अब निकल के आ रहा है, इन्हीं से जानेंगे क्या कुछ हुआ, क्या कुछ चल रहा है, क्या सच में एक माह के अंदर बहाल लिया जाएगी। आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। सबसे पहले एग्जाम टूर और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप शुरू से ही हम देख रहे हैं आपको कि लाइब्रेरियन के विषय को और आम छात्रों के विषय को आप लगातार उठाते रह रहे हैं, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपका जो पहला सवाल था कि क्या एक महीने में आ रही, आप सब अवगत हैं और पूरा बिहार के लाइब्रेरी साइंस के छात्र अवगत हैं कि 12 अगस्त को एक धमाकेदार प्रोग्राम बिहार विधान परिषद के ऐतिहासिक सभागार में हुई थी, जिसमें संविधानिक पद के सर्वोच्च पद पर बैठे माननीय सभापति जी, बिहार सरकार के दो राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री आए थे, और उन्होंने घोषणा किया था कि लाइब्रेरियन बहाली में जितना हर संभव हो मदद करके इसको निकलवाना है। दो मंत्री भी घोषणा किए, दो मंत्री ने भी घोषणा किए थे, और जिसका रिजल्ट और परिणाम स्वरूप आप देखे होंगे कि अभी माननीय सभापति जी ने अपने कार्यालय में शिक्षा मंत्री जी, शिक्षा विभाग के सचिव को बुलाकर इस संबंध में वार्तालाप उन्होंने किया। क्या पॉजिटिव निकला कुछ? बहुत पॉजिटिव। शिक्षा मंत्री जी ने उस बैठक के दौरान, हम आपको लेटर भी सरकारी लेटर दे देंगे जो विधानसभा के विषय में उठा था, शिक्षा मंत्री जी ने एक महीना का समय लेकर गए हैं कि भाई एक महीना में हम कुछ ना कुछ अच्छा इस पर करके दें। एक बात बताइए, इससे 5 लाख से 7 लाख लोग हैं, और चूंकि अभी तक बिहार में डोमिसाइल नहीं लागू है तो सब लोग आवेदन करें जी, जी। लेकिन कोई इसका आवाज उठाइए तो 2000, 1000, 500, 200 बच्चे जुड़ पाते हैं। ये क्या यही एक रीजन है कि 2008 के बाद 24 में वैकेंसी आ रही है? देखिए, इसमें सबसे बड़ा दिक्कत लाइब्रेरी साइंस के छात्रों का है कि उनको व्हाट्सएप पे कमेंट करना अच्छा लगता है, सोशल मीडिया पे कमेंट करना अच्छा लगता है, मेरी बात करवा लगेगी और लगती है चूंकि हम सच पर काम करने वाले लोग हैं, लेकिन वो ग्राउंड पे उतर के काम करना नहीं चाहते। चाहे प्लेटफॉर्म कोई हो, आप संघर्ष कीजिए ना भाई, रोड पे ताकत दिखाइए, प्रदर्शन कीजिए, वो नहीं होगा सिर्फ सोशल मीडिया पे। 15 साल से बहाली आ रही है, 16 साल, ये कमेंटबाजी उनको करने के लिए टाइम है, लेकिन एसोसिएशन या आम छात्र जो प्रदर्शन करेंगे उनके लिए उनके पास टाइम नहीं, वो एक दिन अपने लिए नहीं आ सकते, बस सोशल मीडिया पे कमेंट करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। आपको जमीन पे उतर के अपने अधिकार के लिए, अपने रोजगार के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। बिहार विधानसभा का चुनाव 25 में होने वाला है, बिहार में आज 5 लाख 6 लाख कोर्स किया है, अगर 5-6 लाख एक साथ उतर जाए तो मजाल है कि कोई सरकार बहाली को रोक लेगी क्या? कोई नहीं रोक लगता है क्या? 5 मिनट में निकल जाएगा, निकल जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर वही 1500 लोग का काम है, प्रदर्शन करेंगे, वही आंदोलन करेंगे, वही संघर्ष करेंगे और वही कार्यक्रम करेंगे, बाकी लोग को बस सिर्फ कमेंटबाजी करना है। कितना बार आप मुख्यमंत्री जी को लेटर दिए, सब जगह से लेटर दिए, क्या इस बार उम्मीद है कि विधान, अभी एक वायरल भी हो रहा है, मैं एक वीडियो बनाया, आप लोग आवाज उठाए, उसके बाद एक दिखाया जा रहा है मुख्यमंत्री जी का पिक है और एक पेपर चल रहा है, कटिंग उनके द्वारा सोशल साइट पर अपलोड किया गया कि 7000 के करीब में लाइब्रेरियन की बहाली, क्या सच्चाई है इसमें? नहीं देखिए, वो तो सोशल मीडिया पर चलाया गया है, उसकी सच्चाई को हम नहीं मानते हैं, लेकिन बिहार विधान परिषद विधानसभा के सत्र के दौरान लगातार ये जवाब शिक्षा विभाग के द्वारा प्राप्त होते आ रहा है कि हम बहाली करेंगे। देखिए, बहाली में दिक्कतें नहीं है, हम में जिज्ञासा की कमी है, हम में जागरूकता की कमी है, भाई ताकत तो दिखाइए, सरकार को ये महसूस कराना पड़ता है कि अगर हम नाराज हो जाएं, हम लाखों लोग आपसे नाराज हैं, तो आपको लाखों लोग का डिस्टर्ब वोट के रूप में हम करेंगे। देखिए फिर तमाशा, आपको एहसास कराना पड़ेगा, भगवान श्री राम जी समुद्र से प्रणाम करके, हाथ जोड़ के विनती करके उन्होंने रास्ता मांगा कि ए समुद्र हमें रास्ता दे दो, हमें रास्ते मंजिल पे जाना है, उस समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, बाद में उन्होंने क्या किया, अपने तीर को निकाला और रास्ता अपने आप मिल गया, मिला ना, तो बस जरूरत यही है ताकत दिखाने, ताकत दिखाना पड़ता है। एक बात बताइए, जैसे के पाठक सर थे जी, उस समय उन्होंने बताया कि इससे लाइब्रेरियन भर्ती से पहले हम एक नियम लाए हैं और नियम के तहत पहले एस्टेट का एग्जाम देना होगा, उसके बाद लाइब्रेरियन में आपकी जो, क्या वही प्रोसेस है या कुछ संशोधन? नहीं, एक बहाली के लिए इसमें एक रिटर्न प्रक्रिया होगी, मात्र एक रिटर्न होगी, चाहे वो स्टेट हो चाहे जिस भी माध्यम से, एक स्टेट होगी, उसके बाद सीधे मेरिट लिस्ट बनेगी, सीधे मात्र एक एग्जाम लाइब्रेरियन बहाली के लिए। तो देख सकते हैं हम दोनों जो चर्चा किए, विकास जी लगातार इस आवाज को प्रखर कर रहे हैं, क्योंकि 2 से 4 दिन पहले ही एक माह का समय दिया गया है, एक माह के अंदर जरूर कुछ ना कुछ अपडेट आएगा, और मेरा ये प्रयास इसलिए है ताकि जो विद्यार्थी सोए हुए हैं, ताकि जो अधिकारी सोए हुए हैं, उन तक ये बात पहुंचे कि हाँ बोलिए।
मेरा एक आपके माध्यम से सुझाव है, आग्रह है, अनुरोध है, प्रणाम है, जो कहिए बिहार के छात्रों के लिए कि भाई बिहार विधानसभा का 2025 में चुनाव है, आपके पास मुश्किल से 10-11 महीने है, 10-11 क्या जनवरी फरवरी के बाद ही बिहार का रंग बदलने लगेगा, माहौल बदलने लगेगा, अब ये से बदल यही मौका है कि पूरा जी जान लगा दीजिए, लाइब्रेरी एसोसिएशन प्रदर्शन करती है उसमें जुटिए, ठीक है हमारे बैनर से आने में परहेज है, आप बगैर बैनर का प्रदर्शन कीजिए, आप अलग प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन कीजिए, पटना में ताकत दिखाइए, जी जान झोंक दीजिए। अगर 2025 चुक गए तो फिर उस डिग्री का अगरबत्ती ही दिखाएंगे, उससे ज्यादा उसका कोई उपयोग नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, विकास चंद सिंह, बिहार लाइब्रेरी एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष, धन्यवाद।